केंद्र सरकार के सहयोग नहीं किए जाने के कारण राजस्थान में पेयजल सहित अनेक विकास की योजनाएं अटकी हुई हैं। ये कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो बुधवार को खैरथल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से हर क्षेत्र में विकास के भरपूर कार्य करवाए जा रहे हैं। विकास कार्यों की सौगात जो भी विधायक अपने क्षेत्र में करेगा उसकी हर मांग को पूर्ण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने डिजिटल 71 विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन किया। कार्यक्रम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित करते हुए चिरंजीवी बीमा योजना, ग्रामीण ओलंपिक सहित अनेक ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए गए हैं जो कि गिनाने भी मुश्किल है। इस मौके पर किसान आयोग उपाध्यक्ष व विधायक दीपचंद खैरिया ने मुख्यमंत्री गहलोत का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र में लगे टोल टैक्स हटवाने सहित अन्य विकास कार्य करवाने की मांग रखी। कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, शकुंतला रावत ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, विधायक दीपचंद खैरिया, विधायक वाजिब अली, साफिया खान, पूर्व सांसद करण सिंह, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा सहित अनेक मौजूद रहे। इधर मुख्यमंत्री के खैरथल आगमन पर क्षेत्रवासियों को काफी उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री आगमन पर बड़ी सौगात खैरथल को मिलेगी, जिसके तहत खैरथल कस्बे में लगे दो टोल टैक्स हटाने, खैरथल को जिला बनाने व ओवरब्रिज बनाने की घोषणा करने की चर्चा चल रही थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री के भाषण को लोग उत्सुकता पूर्वक सुन रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री के संपूर्ण भाषण के दौरान खैरथल सहित क्षेत्रवासियों के लिए कोई घोषणाएं नहीं की गई, जिससे लोगों की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। लोगों ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खैरथल आए तो थे, लेकिन उनको खैरथल या क्षेत्र के लिए जरूर कुछ घोषणाएं करनी चाहिए थी।